बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली को, मेरा प्यारा सा सलाम। और आज हम बना रहे हैं, बल्कि आपको लेके जा रहे हैं अरबिस्तान। आज हम बना रहे हैं थोड़ी सी ट्रेडिशनल अरबिक डिश, जिसे हम कहते हैं बाबा गनूश। और उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, तबीयतें बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगी। मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और चले मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स इस अच्छी सी तबीयत के साथ। सबसे पहले यहाँ पर बैंगन लिए हैं मैंने 3 अदद, और इनको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट किया हुआ है। वो इसकी रोस्ट की जो क्लिप है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तहीनी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक वाली, ये मैं यूज़ करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून इनिशली, लेकिन इस क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो इसका स्ट्रांग होगा काफ़ी फ्लेवर। सो अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, अगर मुझे फ्लेवर इसका ज़्यादा स्ट्रांग ना लगा, तो मैं इसको 2 से 3 टेबल स्पून कर दूंगी। ऑयल मुझे चाहिए, ये मैंने वर्जिन ऑयल यूज़ किया है। आप कोई सा भी ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये 2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी मैं। योगर्ट चाहिए मुझे 2 टेबल स्पून। गार्लिक के जो 5 क्लोव्स हैं उनको मैंने इस तरह से ग्राइंड सा किया हुआ है हल्का सा। उसके अलावा लेमन मैंने 1 लिया हुआ है, लेकिन मैं यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून। सॉल्ट लिया है मैंने, मैं उसको हसबे जायका यूज़ करूँगी। और यहाँ पर अगर आपको मिल जाए सुमुक तो भले भले शावा शावा, क्योंकि वो बिल्कुल इसको ट्रेडिशनल वाला जो है अरबियों का वो लुक देगी, लाइक फ्लेवर देगी, लुक नहीं देगी। और ये हमने स्प्रिंकल करने के लिए लिया वैसे भी, लेकिन मेरा अचानक से सुमक गायब हो गया तो इसलिए मैंने स्मोक पेपरिका यूज़ किया है। लेकिन अगर सुमक मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलें चलते हैं और रेसिपी को जल्दी से बनाते हैं। लेमन, सॉल्ट में डाल रही हूँ 1 टीस्पून, बहुत ही लाइक उससे भी थोड़ा सा कम इनिशियली, बाद में मैं उसको टेस्ट कर लूँगी। अच्छा जी, तहीने को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया क्योंकि इसके ऊपर ऑयल आया होता है। अब मैं तहीने को ऐड करूँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका, इसलिए मैं 1 टेबल स्पून से ही शुरू करूँगी। सिर्फ 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं अभी। अच्छा जी, अब कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स।
अच्छा जी, योगर्ट मुझे थोड़ा सा कम लगा है इसलिए मैं 1 टेबल स्पून योगर्ट और डाल रही हूँ, और सॉल्ट भी हल्का सा कम है उसको भी मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करूँगी। अच्छा जी, योगर्ट और सॉल्ट डालने के बाद अगर आपको लेमन जो है वो भी आपने अपने अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि हम लोग कम खाते हैं लाइक लेमन यूज़ करते हैं इसलिए हम लोगों ने कम यूज़ किया है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। प्लस जिनको तहिनी का नहीं पता, ये सेसमी सीड तिल जिसको कहते हैं ना, उसकी सॉस होती है, उसका बनता है ऑयल के साथ। अच्छा जी, मैंने अच्छे से जो है उसको निकाल दिया है, बाबा गणेश को रेडी हो गया था। मैं इसके ऊपर ऑयल जो है वो डाल रही हूँ। ऑयल आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा डालें, लेकिन ऑलिव ऑयल वैसे ही हेल्दी होता है। मैं इसके ऊपर जो सुमक की रिप्लेसमेंट है हमारी पेपरिका वो डाल रही हूँ, लेकिन सुमक होता तो इसका मज़ा दुबाला हो जाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, मज़ेदार, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल एकदम। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ एक अगले दिन और दिन। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारी ढेर सारी दुआएं। और इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बाय।